हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है भार्गव और आप देख रहे हैं भार्गव ब्लॉग्स एंड रिव्यूज, जहां पे आपको काम के वीडियोस देखने को मिलते हैं। तो आज भी मैं काम का वीडियो लेके आया हूं और वो है आपका जो डेस्कटॉप नहीं तो लैपटॉप का जो इंटरनल हार्ड डिस्क होता है ऐसा वाला, उसको आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं यूएसबी वाला। तो ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फिलहाल के बाजार में जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क मौजूद है, जैसे कि ये हो गया सीगेट का और ये हो गया WD का, तो ये 1 TB का है और इनका दाम होता है 4000-5000 ऐसा। लेकिन जो इंटरनल हार्ड डिस्क होता है जैसे कि ये वाला, तो इनका दाम एक्सटर्नल हार्ड डिस्क से बहुत कम है। और साथ ही नहीं तो लैपटॉप नहीं तो डेस्कटॉप खराब हो जाता है तो ये ऐसे ही बेकार हो जाता है। लेकिन आप ऐसे इंटरनल हार्ड डिस्क को भी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क बना सकते हैं सिर्फ 899 रुपीज में, और वो भी 2 मिनट में। तो ऐसे इंटरनल हार्ड डिस्क को एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में कन्वर्ट करने के लिए आपको चाहिए होगा एक डिवाइस, जो ये रहा। ये है एक मेड इन इंडिया डिवाइस जो है पाइबॉक्स इंडिया, मतलब ये है SATA 2 USB डाटा केबल। 2.5 इंच और 3.5 इंच दोनों हार्ड डिस्क के लिए ये काम आता है, मतलब लैपटॉप के लिए नहीं तो डेस्कटॉप के लिए दोनों के लिए काम आता है। यहाँ पे दाम लिखा है 2000 रुपीज, लेकिन 2000 रुपीज नहीं है, इसका दाम है 899। और यहाँ पे उनका वेबसाइट है www.pibox.in। तो चलिए इसको करते हैं अनबॉक्सिंग। तो सबसे पहले मिला है एक अडाप्टर मिला है 12 वोल्ट का, उसके बाद ये हो गया डाटा केबल SATA 2 USB, उसके बाद एक पेपर मिला है, यहाँ पे उनका कस्टमर केयर नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है और यहाँ पे वारंटी डिटेल लिखा हुआ है। तो सबसे ज़रूरी जो चीज़ है ये है। तो आप ऐसे इंटरनल हार्ड डिस्क को एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में कन्वर्ट कर सकते हैं सिर्फ ऐसा एक डाटा केबल से। इसको हार्ड डिस्क में लगाना है और इसको आपके कंप्यूटर में लगाना है और आपका हार्ड डिस्क बन जाएगा एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। तो चलिए देखते हैं अभी इसको कैसे फिट करते हैं। तो ये वाला मैंने हार्ड डिस्क लिया है, ये है 3.5 इंच SATA हार्ड डिस्क डेस्कटॉप का। तो इसका जो ये टर्मिनल है वहाँ पे आपको ये वाला लगाना है, देखिए लग गया है। तो ये बन गया एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, लेकिन इसमें आपको पावर सप्लाई देना पड़ेगा। तो ये वाला अडाप्टर साथ में मिला था, तो देखिए लगा दिया है। तो ये वाला बन गया है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। अडाप्टर को आपको UPS में लगाना है और इसको आपको कंप्यूटर में लगाना है USB में। तो चलिए लगाते हैं। तो ये देखिए, इस इंटरनल हार्ड डिस्क को मैंने टेबल के ऊपर रखा है और ये डिवाइस लगाया है। तो अभी मैं ये अडाप्टर लगाने वाला हूँ और ये जो बोर्ड है ये मेरे UPS से आ रहा है, तो मतलब पावर फेलियर होने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसका लगाता हूँ यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे एक ब्लू लाइट जल गया है। तो अभी इस डिवाइस का जो ये USB पॉइंट है इसको लगाना है आपके CPU पे। तो लगा दिया है मैंने। तो अभी देखिएगा हार्ड डिस्क ओपन हो गया है। तो देखिए हार्ड डिस्क ओपन हो गया है। तो अभी आपको दिखाता हूँ लैपटॉप हार्ड डिस्क में ये फिट होगा कि नहीं। तो ये हो गया लैपटॉप का हार्ड डिस्क 2.5 इंच का। तो इसमें लगा के देखते हैं, देखिए आसानी से लग गया है। तो चलिए इसको भी लगा के देखते हैं। तो अभी मैं पावर सप्लाई लगाने वाला हूँ। तो पावर सप्लाई ऑन हो गया। तो अभी इस USB केबल को लगाने वाला हूँ। तो लगा दिया है। तो देखिए कितना आसान है, कितनी आसानी से इंटरनल हार्ड डिस्क बन गया है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। तो इसको इजेक्ट करने के लिए जैसे आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को इजेक्ट करते हैं वैसे ही कर सकते हैं। देखिए तो हो गया इजेक्ट। तो अभी इसको निकाल सकते हैं और जो पावर अडाप्टर है उसको भी निकाल दीजिए। तो हो गया। तो आज से ऐसा एक्सटर्नल हार्ड डिस्क खरीदने का ज़रूरत नहीं है, आपको खरीदना पड़ेगा एक ऐसा वाला डिवाइस। तो है ना ये बहुत काम का चीज़। तो अगर आपको ये लेना है तो इसका बेस्ट बाय लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं से आप खरीद सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो काम का लगा। अगर काम का लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा और इस तरह के काम के वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जल्दी ही मिलते हैं एक दूसरे काम के वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।